बेटवा से 15 किलोमीटर दूर 2000 की आबादी वाले ग्राम मोरंगपुरा में शुक्रवार को सरपंच पद के लिए चुनाव होने थे, पर पंचों में चुनाव को लेकर आपस में विवाद घेरा गया, जिसके चलते निर्देशन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई और पंचों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया और विवाद के बाद चुनाव को टाल दिए गए। इसी के चलते ग्राम प्रधान को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया। उल्लेखनीय है कि सरपंच रमेश चंद्र नागर के निधन के बाद से ग्राम पंचायत सरपंच की सीट खाली है, जिसे 13 पंच मिलकर सरपंच चुनने वाले थे, उसके लिए 7 पंचों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, जिसके चलते निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र खरे ने चुनाव को निरस्त कर दिया। एक माह पूर्व भी विवाद के चलते यह चुनाव निरस्त कर दिए गए थे। यहां से द्रौपदी पति भंवर सिंह नागर और अनिल पटेल सरपंच के लिए दावेदारी कर रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान पंचायत भवन में गहमागहमी की स्थिति बनी रही। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज अनुभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा जो आदेशित किया गया था स्थानापन्न सरपंच के प्रधान के लिए बैठक रखी गई थी। पूर्व में भी हमने इसको पिछले महीने 10 तारीख के दिन यहाँ पर यह प्रक्रिया के लिए कहा गया था, तो उसमें भी यहाँ के लोगों ने विवाद करने के कारण, विवादित होने से बैठक हमारे पूर्व के पीठासीन अधिकारी श्री सुनील नामदेव ने बैठक स्थगित की थी। उसके एवज में आज मुझे खंड पंचायत अधिकारी को यहाँ बैठक के लिए और सहायक के रूप में सुनील नामदेव जी को भेजा, लेकिन आज सारे पंच 13 पंच यहाँ गणपूर्ति के लिए उपस्थित तो हुए, लेकिन इन्होंने आपस में विवाद गहरा गया। जब वोटिंग की स्थिति आई तो 7 लोगों ने यहाँ से उसका बहिष्कार किया, इस वजह से नाम निर्देशन की प्रक्रिया भी नहीं हो पाई है, इस वजह से आज ये बैठक स्थगित की गई है। आपका नाम? मैं राजेंद्र खरे। ग्राम पंचायत के चुनाव का बहिष्कार क्यों किया? ग्राम पंचायत और चुनाव का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे लड़ाई की नौबत आ गई थी और सभी पंचों ने मिलकर फिर निर्णय लिया है कि 8-9 पंचों ने मिलकर निर्णय लिया है कि चुनाव का बहिष्कार ही ठीक रहेगा, इससे शांति बनी रहेगी और मनमुटाव भी नहीं होंगे। आपका नाम? आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।